दोस्तों इस समय चारों तरफ इलेक्शन का माहौल है और आप भी इस इलेक्शन को लेकर के काफी उत्साहित होंगे और आप भी देखना चाहते होंगे कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं। और अगर ये क्वेश्चन आपके मन में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है या नहीं तो वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने ये ब्राउजर हमने खोल रखा हुआ है। यहाँ पर हमें वेबसाइट सर्च करनी है electoralsearch.in electoralsearch.in इसे हम ओपन करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ये वेलकम स्क्रीन आती है जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल में आपका स्वागत है। इसे हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने दो तरीके से आपका नाम वोटिंग लिस्ट में सर्च करने का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला यहाँ पर दिया है विवरण द्वारा खोजें, सर्च बाई डिटेल्स। दूसरा पहचान पत्र क्रमांक द्वारा खोजें, सर्च बाई EPIC नंबर। अगर आपके पास आपकी एग्जैक्ट करेक्ट डिटेल्स आपको पता है, आपका नाम आप अपने वोटर कार्ड में किस तरीके से लिखा हुआ है, आपकी एग्जैक्ट एज, आपके पिता का नाम या आपके पति का नाम जो कि वोटर आईडी कार्ड में आपको लिखा हुआ है, तो आप ये डिटेल फिलअप करके यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो आपका EPIC नंबर के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। EPIC का फुल फॉर्म होता है इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मतलब जो नंबर आपके वोटर आईडी कार्ड पर दिया होगा उस नंबर के द्वारा आप जो है सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड आपके पास में होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर अपना अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डालता हूँ, मेरा स्टेट जो है मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड मुझे डालना है। कैप्चा एंटर करने के बाद में हमें सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे, आपका नाम अगर वोटिंग लिस्ट में है तो आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं मेरा EPIC नंबर, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, मेरा नाम आ गया, एज, माय फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोलिंग स्टेशन जहाँ पर मैं वोट देने के लिए मुझे जाना होगा वो आ गया, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब व्यू डिटेल, इस पर क्लिक करके मैं इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकता हूँ। यहाँ पूरा जो डिटेल है मेरे EPIC नंबर का वो यहाँ पर आ गया है। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स जो हैं, जो भी ऑफिसर वहाँ पर रहेंगे इलेक्शन कमेटी के, उनका डिटेल यहाँ पर आ रहा है। और अगर चाहें तो इसे प्रिंट करके भी ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर प्रिंट वोटर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा और ये PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करके आप जो है अपना डिटेल चेक कर सकते हैं कि आप वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।